हेलो साथियों, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू रेस्पेक्टिव वंस अगेन एट माय यूट्यूब चैनल स्टीव ब्रांड। एज यू नो माय सेल्फ ओमपाल, एंड आज हम फिर से एक नई एनर्जी के साथ हाजिर हैं अपने जनरल इंग्लिश लूसेंट्स की इंग्लिश की बुक के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको रूल्स करा रहे हैं वन बाय वन, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण रूल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपको काम भी करेगा और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और अपनी कम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करने में। तो लूसेंट की जो जनरल इंग्लिश की बुक है, इसका तोड़ आपको पता है कहीं नहीं है और इसी की स्टडी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी के चलते हम आज आपको सिखाएंगे रूल नंबर 27, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपकी ही बुक का रूल नंबर 27। यदि आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से होगी। तो देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रूल नंबर 27। अब देखिए, इस रूल नंबर 27 में हम क्या कराने वाले हैं, हम कराने वाले हैं एक जो होता है अनिश्चित मात्रा प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो हिंदी में लिखेंगे हम अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित मात्रा, ठीक। और इसी के साथ साथ इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारा आज का टॉपिक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा सरल है, यदि आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। तो देखिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, पहले तो यहाँ पे समझिए, अनिश्चित मात्रा मतलब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस में जिनको अगर आप पढ़ोगे तो उनमें लगेगा आपको कि उनकी मात्रा जो है, काउंटेबिलिटी जो है वो अनिश्चित है। मतलब ऐसा है, या तो उसको काउंट कर भी सकते हैं, काउंट ना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड हैं जो अनिश्चित मात्रा दर्शाते हैं, वो वर्ड कौन से हैं, वो वर्ड पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर एक, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, पहला वर्ड हो गया द अमाउंट ऑफ, हाँ। दूसरा वर्ड हो गया अ लार्ज अमाउंट ऑफ, दूसरा वर्ड हो गया आपका अ लार्ज, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, सॉरी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अच्छा, तीसरा आपका जो वर्ड हो गया इस रूल के अंदर, वो तीसरा आपका वर्ड है अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। चौथा आपका इसी का रूल हो गया, चौथा जो रूल है आपका वो है अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। देखिए, यहाँ पर हमने ये चार वर्ड्स आपको लिखवा दिए, ये वर्ड ऐसे हैं अगर इनको आप रीडअप करेंगे तो इनसे जो निकल के आएगा वो अनिश्चित मात्रा के रूप में एक शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा। बट इन सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलर दर्शाते हैं, कैसे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो नाउन है वो अनकाउंटेबल तो है ही, लेकिन सिंगुलर है, कैसे हैं, सिंगुलर। अगर इन ऐसे नाउन्स किसी भी वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो वर्ब है हमारी, वो वर्ब क्या लगती है, वो सिंगुलर वर्ब लगती है। किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये जो आने चाहिए, ये जो चारों आने चाहिए, वो किसके रूप में आने चाहिए, वो सब्जेक्ट के रूप में आने चाहिए। किसके रूप में, सब्जेक्ट। यदि ये चारों सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर वर्ब कौन सी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखिए, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस के जरिए आपको सिखाते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, एक सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट, क्या बोलते हैं इसको, सफिशियंस, ठीक, सफिशियंट, क्या है, सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट। देखो, अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, पैसा एक प्रकार से अगर समझा जाए तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सबको पता है, राइट।
अनकाउंटेबल नाउन तो होता है इसकी पैसे की मात्रा, वो क्या है, अनिश्चित मात्रा है, पैसे की कोई मात्रा नहीं होती, पैसा बहुत होता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जैसा कि आपको होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये नाउन तो है बट कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, ये जो वर्ड्स दिए हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पर होंगे, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर जब होंगे तो इनमें जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी जिसको हम एच बी भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी या एनी वर्ब जो आएगी, चाहे वो कोई सी वर्ब हो, वो सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर वही तो सबको समझना हमारे लिए क्या है कि समझना ये है, जहाँ यहाँ पर आर लिखा हुआ है, राइट, आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर इन चारों वर्ड्स के साथ में जो वर्ब यूज़ करनी है वो करनी है, कौन सी, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, इज नॉट सफिशियंट। अब हमारे ये वाक्य जो है, ये वाक्य करेक्ट वाक्य है, तो इनमें से कोई भी वर्ड यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग को ये समझना है कि हमारा जो आ रहा है ऐसा वर्ड इनमें से, तो ये जो क्या है, रूल नंबर 27 लूसेंट की, किसकी, लूसेंट की जो बुक है उसका रूल नंबर 27 है, जिसमें अनिश्चित मात्रा, ये जो वर्ड है वो अनिश्चित मात्रा वाले वर्ड होते हैं लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, किसके, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इनका प्रयोग होता है। अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो डेफिनेटली हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, इससे पहले के जो रूल्स हमने कराए उनका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ आया, नहीं आया तो कमेंट करिए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। चलिए आज के लिए इतना ही, लूसेंट्स की नई जो जो बुक है इसके हम नेक्स्ट रूल्स को जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।